एक सवाल जो बार बार मेरे मन में आ रहा था कि ये शो बनाया किस लिए गया है, क्या किस सोसाइटी को कोई मैसेज देना था, या फिर एंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया है, या फिर जो इसके मेकर्स उन्होंने सोचा यार उनके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, वो वेले बैठे हैं, तो इसलिए टाइम पास करने के लिए उन्होंने ऐसा शो बना दिया जो जनता का टाइम बर्बाद कर दे। तो आज की इस वीडियो में बात करूंगा अजीब दास्तान शो के बारे में। इसे नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया, इसके अंदर 4 शॉर्ट मूवीज दिखाई गई हैं। और अगर पहले मूवी की बात करूं जिसका नाम है मंजू, जो घटिया एक मूवी है, और इसके बाद जो सेकेंड मूवी है खिलौना, वो तो उससे भी महा घटिया एक मूवी है। तीसरी मूवी है गिली पुची, हाँ ये थोड़ी बहुत वर्थिट है इसको देखना। और इसके अंदर एक जो परफॉर्मेंस है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। और इसमें जो दो इन्होंने इशू उठाए हैं, सोशल इशू, फॉर एग्जांपल इन्होंने जो पहला इशू उठाया है दलित का इशू उठाया है कि दलित वर्ग को कैसे दबा के रखा जाता है, तो इन्होंने जो इशू उठाया है वो इशू कम बकवास ज़्यादा लगता है। मतलब ऐसा कुछ भी उसको देख कर ऐसा फील नहीं होगा कि हाँ ये रियलिस्टिक है। मतलब कोई भी जो शर्मा है वो पंडित है, या फिर जो भारद्वाज है जिनकी लास्ट का जो सरनेम ये होगा, तब उनको बस कोई इनको डिग्री की जरूरत नहीं है और उनको सीधी जॉब दे दी जाएगी। और भले ही जो दलित वर्ग के कोई भी इंसान है जिनके पास कोई भी डिग्री हो, उनको जॉब नहीं दी जाती। इतनी बकवास चीज मैंने यार आज तक कभी नहीं देखी। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपनी रियल लाइफ में जब मैं काम पे जाता हूँ तो इवन मिलते हैं यार सभी वर्ग के जो लोग हैं वहां पर, जब देखते हैं तो यार ऐसा कुछ भी नहीं है कि उस वो दलित है या वो एससी कैटेगरी, वो एसटी कैटेगरी या फिर जनरल कैटेगरी है, तो उनके अंदर ऐसा कोई भेदभाव हो रहा कि हाँ भाई तुम जनरल कैटेगरी के हो तो आ जाओ, तुमको तुम एससी कैटेगरी के हो तुमको नहीं दी जाएगी, ऐसा मैंने बिल्कुल नहीं देखा। ये शो, ये मतलब ये जो मूवी है इसके पीछे क्या लॉजिक इन्होंने दिया, सच में आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं भाई साहब सच में ये लोग। और जो सेकंड इशू इन्होंने उठाया वो था एलजीबीटी कम्युनिटी का। एलजीबीटी कम्युनिटी का मैं सच कहूं कि यार बॉलीवुड ने आज तक मुझे ऐसी कोई मूवी, ऐसा कोई सीरीज इन्होंने नहीं बताई होगी जिसके अंदर इन्होंने कोई ढंग से एलजीबीटी कम्युनिटी का कोई सीरियस इशू इन्हें उठाकर समाज को बताने की कोशिश की होगी। हाँ ये जो इशू है इनको समझना कितना जरूरी है, एलजीबीटी कम्युनिटी के लोगों को समझना कितना जरूरी है, ऐसा कुछ भी इन्होंने नहीं दिखाया। वही घिसी पिटी जो स्टोरी आज तक दिखाते आ रहे थे, जो हमने कितनी बार देख रखी है, वही सेम टू सेम इसके अंदर चल रही है। और ये मूवी क्यों है, किस लिए, सच में इसका कोई भी जवाब हमें नहीं मिल पाता। और जो फोर्थ मूवी है जिसका नाम है आंखें, इस मूवी को देखना मैं सच कहूंगा अजीब दास्तां में, अगर आप लोगों को और बाकी कोई भी मूवी ना देखो लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये वाली मूवी देख लो ना, सच में मतलब एक अंदर से तृप्ति मिल जाएगी कि हाँ वास्तव में कुछ अच्छी चीज देखी है। और ये वही है आंखें, इसके अंदर जैसे फीलिंग्स को दर्शाया गया है म्यूजिक के थ्रू, और आंखों ही आंखों में जैसे अपने पेन को बताना बहुत जबरदस्त था। इसके लास्ट का जो सीन था जिसके अंदर दोनों जो कलाकार हैं शेफाली और मानव, इन दोनों ने अपने आप को मतलब जैसे एक्सप्रेशन इन्होंने दिए, फेशियल एक्सप्रेशन इन्होंने दिए हैं, और आंखों ही आंखों में अपने दर्द को इन्होंने बयां किया है, पीछे म्यूजिक चल रहा है, बहुत कमाल का था। मतलब ये वाला जो मूवी है, ये वाली जो लास्ट जो मूवी है वर्थ इट है, इसी को देखकर मुझे लगा कि हाँ थोड़ा बहुत तो मुझे अच्छा लगा ये अजीब दास्तां देखकर। बाकी की जो फर्स्ट वाली जो दो मूवी है भाई साहब, मैं तो ये कहूंगा कि उनको तो स्किप ही कर दो, देखने की जरूरत ही नहीं है। इतनी बकवास, इतनी बोरिंग, इतनी घटिया मानसिकता ये लेके लोग रखे हुए हैं कि भाई कुछ सोच समझ के तो बना लिया करो यार, तुम क्या बना रहे हो, थोड़ा बहुत रिसर्च कर लिया करो कि हाँ एक्चुअल में जनता को क्या देखना है, उनको क्या दिखाना है। और अगर आप लोगों को जो तो फर्स्ट शॉर्ट मूवी है उनके बारे में बताऊं, जैसे मंजू जो मूवी है उसके अंदर जो दो मेन कलाकार हैं जयदीप अलावसर और फातिमा, ये दोनों जो हैं वो मेन रोल के अंदर मेन कास्ट ही हैं। और इसमें जो स्टोरी दिखी है ना भाई, मुझे कोई भी लॉजिक उसमें नहीं नजर आता कि भाई वो स्टोरी क्यों है, उसका मतलब क्या है, क्या एंटरटेनमेंट है उसके अंदर, कोई हॉरर है, कुछ है, कोई भी जॉनर उसका मुझे समझा दो, कोई ड्रामा कुछ भी। इवन मतलब अगर जोनर भी ना छोड़े तो एक तरीके का जो जोनर होता है वो एंटरटेनमेंट करने के लिए होता है, या फिर एक जो नॉलेज के पर्पस पे सोसाइटी को कोई मैसेज देने के ऊपर, ये दो ही चीजें होती हैं, या तो कोई मैसेज देना है या फिर आपको कोई सोसाइटी को कुछ बताना है कि हाँ भाई हमने ऐसी चीज बनाई है। इसका कुछ भी कहीं पर भी दूर दूर तक कोई नाता नहीं है इन चीजों से। जयदीप अलावसर सच में इतने बढ़िया कलाकार हैं, और जो इस मूवी के मेकर्स उन्होंने इतने बढ़िया कलाकार के मतलब अच्छे से इस्तेमाल ही नहीं कर पाए, उनकी एक्टिंग की, उनकी कलाकारी का बिल्कुल भी ये सही ढंग से यूज़ नहीं कर पाए। और जो फातिमा है वो तो यार
मतलब क्यों है, क्या वो एक्सप्रेशन है, किस लिए वो, कुछ भी लॉजिक नहीं है यार इस मूवी में तो। और जो सेकंड मूवी है जिसका नाम है खिलौना, उसके अंदर जो मेन रोल में है, मेन किरदार जो है, एक तो है अभिषेक बनर्जी, काफी अच्छे कलाकार हैं, दूसरे हैं नुसरत। और जो नुसरत हैं वो एक मेड का काम कर रही है इस मूवी के अंदर, मेड होती है किसी घर में, और इनकी एक छोटी बहन है, नुसरत की छोटी बहन इसमें दिखाई गई है, जो दूसरी या तीसरी कक्षा के अंदर पढ़ती है, बहुत छोटी है। और अब यहाँ पर इन दोनों इस मूवी के अंदर जो मेंटेलिटी इन्होंने दिखाई है, जो स्टोरी इन्होंने बताई है कि गरीबी अमीरी का जो है, इन्होंने कॉन्सेप्ट दिखाया है कि अमीर लोग जो है वो गरीबों को दबा कर रखते हैं, और गरीब जो है वो बहुत बेईमान होते हैं, वो चोरी चकारी करते हैं, ऐसा इन्होंने दिखाने की कोशिश की है। मैं बस देखकर हैरान हुआ, ये वाला कॉन्सेप्ट देखकर, मतलब लोगों के दिमाग में पता नहीं क्या क्या चलता है, वो क्या सोच लेते हैं और कैसे दिखा पाते हैं, और इतनी हिम्मत आ जाती है कि हम ये जो चीज़ है वो जनता को दिखा सकते हैं, उनके अंदर इतनी हिम्मत होती है। मैं एक बात कहूँ यार, देखो यार, इनके मेकर्स को ना सच में बच्चों के लिए तो स्पेशली सोचना चाहिए कि कम से कम बच्चों को तो वो बख्श दें, अपनी घटिया सोच से बच्चों को तो दूर रखें, उनके ऊपर तो उस चीज़ का प्रभाव ना पड़े। लेकिन क्या पता नहीं कौन सा सस्ता नशा फूंक के बैठे हैं। अगर आप लोगों ने ये शो देखा है, अजीब दास्तान ये शो देखा है, तो प्लीज़ कमेंट करना कि आप लोगों को कैसा लगा। अगर मैं रेटिंग की बात करूं तो जो फर्स्ट दो शॉर्ट मूवी हैं, पहली जो मंजू है 0 out of 10 star दूंगा, जो सेकंड शॉर्ट मूवी है जिसका नाम है खिलौना उसको भी 0 out of 10 star दूंगा, थर्ड जो मूवी है शॉर्ट मूवी गिली पुची उसको 5 out of 10 star, और जो फोर्थ सच में जो मेरी फेवरेट रही है उसको मैं देना चाहूँगा, जो आंखें हैं शॉर्ट मूवी उसको मैं देना चाहूँगा 8 out of 10 star। और अगर आप लोगों ने ये शो देखा है तो प्लीज़ कमेंट करना कि आप लोगों को क्या अच्छा लगा, कौन सी शॉर्ट मूवी सबसे अच्छी लगी, और आप लोगों को क्या पसंद नहीं आया। और जिन्होंने नहीं देखा तो मैं उनको एक एडवाइस दूंगा, देखो यार आप पहली दो स्किप कर सकते हैं, तीसरी भी ठीक ठाक ही है, उसके अंदर एक्टिंग मुझे काफ़ी अच्छी लगी, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, और जो लास्ट वाली है वो तो भाई साहब मैं तो कहूँगा कि आप जरूर देखें, बहुत बढ़िया है, म्यूजिक के थ्रू फीलिंग को दिखाना बहुत ज़बरदस्त है। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।